गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हिंदी क्षितिज भाग दो में। तो आइए दूसरे दोहे में इन चौपाइयों में क्या संवाद है तीनों का। लखन कहाँ हस हमरे जाना, सुनह देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जूनधन तोरे, देखा राम नयन के भूले। जब परशुराम ने क्रोधित होकर कहा कि ये सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष उन धनुइयों के समान नहीं है, तो लक्ष्मण जी भी मुस्कराने लगे और कहने लगे, लखन कहा हस हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा परशुराम जी से, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारी समझ में, हमारी दृष्टि में, हमारी नजर में तो सभी धनुष एक समान हैं। हम कोई भेदभाव इन धनुषों में नहीं करते हैं। काछत लाभ जून धन तोरे, जून माने पुराना, सॉरी जून माने हानि, का माने क्या, क्षति माने जून माने सॉरी पुराना, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, धनु माने धनुष को, तोरे माने तोड़ने से। हे मुनिवर, आप हमें बताइए जून धन इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि है, अथवा आपको क्या लाभ या क्या हानि है। देखा राम नयन के भूरे, नयन माने नवीन समझकर, प्रभु श्री राम ने तो इस धनुष को नया समझकर देखा था, केवल तोड़ा नहीं था, देखा था, परखा था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, हे मुनिवर, यह धनुष तो श्री राम के मात्र छूने से ही टूट गया, रघुपति नहीं दोषु, इसमें श्री राम का तो कोई दोष नहीं है। मुनिवे नु काज करिए कत रोषु, रोषु माने क्रोध, कत माने क्यों, करिए माने करते हो, काज माने कारण के। हे मुनिवर, आप बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हो, आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हो। प्रभु श्री राम ने तो इसे बस छुआ था, छूते ही टूट गया। बोले चितय परश की ओरा, परश माने फरसे की ओर देखकर, चितय माने देखकर, ओरा माने तरफ। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रेशट सुनेउ स्वभाव न मोरा, शट माने मूर्ख, ए मूर्ख, स्वभाव माने स्वभाव, तू मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानता है कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालक बोले, वधो नहीं तो ही, वधो माने मार रहा था, वध कर रहा था, तो ही माने तुझे, अब तक तो मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनिजन जानिए मोही, तू केवल मुझे एक साधारण मुनि मत समझ, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं और तू मुझे केवल एक साधारण सा मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारियत को ही अब परशुराम अपने विषय में लक्ष्मण को बताने लगे कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी हूं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्वविदित संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को भूप बिनु राजाओं के विहीन कर दिया है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, क्षत्रिय राजाओं से। विपुल बार मई देवन देनी, विपुल बार माने अनेक बार, मई देवन माने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है और उसको जीतकर पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु छेद निहारा, छेद निहारा माने काटने वाले। परसु बिलोक महीप कुमारा, परसु बिलोक, परसु माने फरसे को, बिलोक माने देख, महीप कुमारा माने हे राजा के कुमार, हे राजा के कुमार, राजा के बालक। सहस बाहु छेद निहारा,
तू मेरे इस सह स्वभाव की भुजाओं को काटने वाले फरसे को देख। मात पितः जन शोच बरस करस महीस किशोर, ये दोहा है। परशुराम लक्ष्मण से कहने लगे, करस महीस किशोर, महीस किशोर राजा के कुमार, राजा के बालक। मात पितः जन शोच वस्तु, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत क्यों कर रहा है? तू मेरे इस फरसे को देख, ये फरसा तुझे भी काट देगा, तुझे भी मार देगा। तो इसलिए तू अपने माता पिता को सोच के वशीभूत क्यों कर रहा है? गर्भन के अर्भक दलन परस घोर अतिमोर, मेरे फरसे की भयंकर टंकार गर्जना को सुनकर छत्राणियों के गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। ये मेरा फरसा इतना भयंकर है, इसलिए तू अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर। तीसरे दोहे को हम तीसरी वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में सब धन्यवाद।